हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू निम्रा संगम किचन। आज हम बनाएंगे समोसा पिनवेस। देखते हैं कितना क्रिस्पी और कितना टेस्टी बना है। तो चलिए हम बताते हैं कैसे बनता है। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगेगी तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। एक बाउल में हमने मैदा लिया है, इसमें हम अजवाइन डालेंगे, टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डालेंगे, रिफाइंड ऑयल। अब इसे हम मिक्स करेंगे। इसको हमने मिक्स कर लिया, थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसका हम डो तैयार कर लेंगे। डो बहुत ज़्यादा ना सॉफ्ट होना चाहिए ना बहुत ज़्यादा हार्ड, नॉर्मल डो ही हम रखेंगे। डो हमारा तैयार हो चुका है मैदे का। अब हम आलू की स्टफिंग तैयार करेंगे। ये हमारा मैश किया हुआ आलू है, इसमें हम हरी मिर्ची, हरा धनिया, टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक 1/4 टीस्पून से भी कम मिर्ची पाउडर, 1/4 टीस्पून चाट मसाला, 1/2 टीस्पून अमचूर पाउडर, थोड़ा सा काला नमक, थोड़ा सा जीरा पाउडर। अब हम इसे मिक्स करेंगे। ये मिक्स हो चुका है। अब हम मैदे को बेलेंगे। हमने इसमें मैदा डस्ट कर लिया है, अब हम इसे बेलेंगे। देखिए इसको हमने रोटी की तरह बड़ा सा बेल लिया है। अब हम इसमें स्टफिंग लगाएंगे। पूरे में लगा लेंगे अच्छी तरह से। स्टफिंग हमने पूरे में लगा ली है। अब हम इसे ऐसे टाइट रोल करेंगे, अच्छी तरह से घुमा घुमा कर, ऐसे ऐसे दबा दबा कर, हो गया है। अब इसे हम लंबा कर लेंगे, हल्के हाथों से ऐसे ऐसे करना है। हो गया। अब इसे हम कट करेंगे। अब इसे हम एक एक इंच के टुकड़े से काटेंगे। पहले किनारे कट कर लेंगे। ये देखिए ऐसे, फिर एक एक इंच के टुकड़े से आहिस्ता से कट करना है। देखिए इस तरह से हमने सभी पिनव्हील्स को काट लिया है। अब इसे हम फ्राई करेंगे। पिनव्हील्स को फ्राई करने के लिए मैदे में हम थोड़ा सा पानी डाल के इसका हम बैटर तैयार कर लेंगे। थोड़ा थोड़ा पानी डाल के हम इसे इस तरह से इसका हम बैटर तैयार कर लेंगे। ये इसका बैटर तैयार हो गया है। अब इसमें हम डिप करके पिनव्हील्स को फ्राई करेंगे। ऑयल हमारा हीट हो चुका है, फ्लेम को हम मीडियम कर देंगे। पिनव्हील्स को ये हम मैदे के बैटर में डिप करके फ्राई कर देंगे। इसी तरह हम सभी फ्राई कर लेंगे। एक तरफ से हो चुका है, अब हम इसकी साइड चेंज करेंगे। हमने इसकी साइड चेंज कर दी, अब ये दूसरी तरफ से फ्राई हो रहा है। ये दूसरी तरफ से फ्राई हो चुका है, देख रहे हैं। अब इसे हम निकाल के डिश आउट कर लेंगे, फ्लेम हम ऑफ कर देंगे। एक एक करके हम सभी निकाल लेंगे।
समोसा पिनवे से हमारा बन के तैयार है। देख रहे हैं कितना क्रिस्पी और कितना टेस्टी बना है। आप इसे इफ्तार में जरूर बनाएं। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।